आज हम बनाएंगे परफेक्टली खिला खिला महाराष्ट्रियन पोहा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहे को धो लेंगे। इसके लिए हम एक छन्नी लेंगे और उसको किसी बर्तन के ऊपर या सिंक के ऊपर रख के और उसके ऊपर से पानी डाल के और इसको अच्छे से एक बार धो लेंगे। और धोने के बाद इसका पानी निकाल के और इसको 10 से 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे ये पोहा बहुत अच्छी तरह से फूल के और ड्राई हो जाएगा। पोहे को धोने के बाद अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे, उसके अंदर लेंगे मस्टर्ड ऑयल और इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे राई के दाने और ज़ीरा और इसको अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे। ज़ीरा और राई को क्रैकल होने के बाद अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर कटा हुआ आलू डालेंगे, ये हमने कच्चा ही लिया है। और उसके बाद इसके अंदर पीनट यानी मूंगफली के दाने डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कड़ी पत्ता, कटी हुई मिर्च डालेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से भून के पका लेंगे, क्योंकि हमारे मूंगफली और आलू कच्चे हैं, इसके लिए हमें इसी स्टेज पर इसको बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चीनी और इसको अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे, जब तक हमारे आलू अच्छी तरह से गल नहीं जाते। जैसे ही हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा आलू अच्छी तरह से गलने के बाद में, अब हम इसके अंदर हमने जो पोहे को धो के रखा था वो अच्छी तरह से फूल चुका है, अब उसको इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है जिससे इसके ऊपर इवनली कलर आ जाए और अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद इसको कटे हुए हरे धनिया से गार्निश करेंगे और ये हमारा पोहा बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसको प्लेटिंग करते हैं। तो फाइनली ये बनके तैयार है हमारा महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट। इसको खिला खिला बनाने के लिए आप इसको सोक करके नहीं बल्कि धो के यूज़ कीजिए और इसको बनाने के लिए आप मोटे वाले पोहे का यूज़ कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।